सिवाय एहराम की हालत के कभी आपने सर से टोपी नहीं उतार। अपने महबूब की जिंदगी पढ़ो, डॉलर बनाते बनाते मर गए तो क्या कमाया। वो पाकिस्तान में कब्रों पे कोई पढ़ने नहीं जाता, हांगकांग में कौन जाएगा जहां मरने की भी फुर्सत नहीं है। हम कब्रिस्तान में थे एक जनाजे में, तो एक शख्स मेरे जानने वाले थे, तो उनके वालिद का इंतकाल हुआ था। मैं ताजियत के लिए नहीं गया था, न जा सका, नहीं था। मैंने उनसे कहा अपने वालिद की कब्र बता दो, मैं फातिहा पढ़ दूं। बेटा पोतरा नहीं, पढ़ पोतरा नहीं, पुत्र बेटा बेटा। तो मुझे लेकर एक कब्र पे आ गया, कहा ये अब्बा जी की कब्र है। मैं कोई चंद सेकंड अभी खड़े हुए थे, तो पीछे से एक आदमी ने कहा ओए तेरे अब्बे की कब्र नहीं, हाँ हाँ पोते को नहीं गलती लगी, पर पोते को नहीं गलती लगी, पुत्र बेटा बेटा। किसी और की कब्र पे मुझे खड़ा करके ना अब्बे आए अब्बे की कब्र है, पीछे से कहा ओए तेरे अब्बे की कब्र नहीं है। हाँ बल्कि उड़ी है तो गैर ने बताया कि ये तेरे अब्बा की कब्र है। ऐसी बेवफा औलाद के लिए मैं अल्लाह उसके रसूल को नाराज कर दूं, तो मुझसे बड़ा धोखा खाया हुआ कौन है, मुझसे बड़ा खसारे और टोटे वाला कौन है। तो भाइयों अपना टाइटल बदलो, अपना ब्रांड बदलो, ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह का तकाजा है, वरना कोड़ियों में अमलों की कीमत तब्दील हो जाएगी। और मोहर लग गई तो कोड़ियों का अमल करोड़ों का हो जाएगा। और ला नबिया बादहु, ये कलमे का चौथा हिस्सा लफ्जों में नहीं माना में। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि खलत मलत ना हो जाए, सोते सोते लोग सुने और कहें कि तारिक जमील तो कलमा ही बता गया। ये कलमे का लफ्जों में नहीं माना का हिस्सा है ला नबिया बादहु, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। इसका तकाजा यह है कि तबलीग का काम करो, इसका तकाजा यह है कि कलमे की मेहनत करो, इसका तकाजा यह है कि इस पैगाम को लेकर दुनिया में फिरो। सारी दुनिया के लिए तिजारती मरकज बन चुका है हांगकांग, इसे इस्लाम का मरकज बना दो, यहां दावत दो, ईमान की फिजा बनाओ, लोगों को कुफर पे मरता देखकर हाय निकले हमारी। यहूदी का जनाजा गुजरा और आपने कहा हाय, आपकी हाय निकल गई। उन्होंने कहा जी यहूदी है यहूदी, कहा इसी भी तो हाय कर रहा हूं कि हाय मैं इसे कलमा ना समझा सक और ये जहन्नम में चला गया। एक यहूदी बच्चा आपकी मजलिस में आया करता था, तो वो कुछ दिन नहीं आया, तो आपको अपने पूछा वो बच्चा नहीं आ रहा, कहा जी वो बीमार है। कहां रहता था? बनू कुरैजा में। कितने दूर थे? 7 मील का फासला था, 7 मील। तो आप उस बच्चे का, यहूदी बच्चे का हाल पूछने के लिए 7 मील पैदल गए, आगे पहुंचे तो वो मौत की हालत में था। तो आपने देखा तो वो तो सकरात है, मौत है। तो आपने फरमाया बेटा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ ले बेटा, कलमा पढ़ ले। तो वो बच्चे ने अपने बाप को देखा, वो कमबख्तों को पता था ये सच्चा रसूल, तो उसने कहा अथे अबल कासिम, जो ये कह रहा मान ले। तो उसने कलमा पढ़ा और साथ ही उसकी जान निकल गई। तो अल्लाह के नबी का चेहरा खुशी से ऐसे गुलाब बन गया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनकज़हु बी मिनन नार, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इसे जहन्नम से नजात दे दी। ये दर्द हमारा दर्द बन जाए, सिर्फ जॉब दर्द ना हो, सिर्फ कंटेनर दर्द ना हो, सिर्फ सौदा बेचना दर्द ना हो, ये हमारा दर्द बन जाए कि इतने इंसान जहन्नम में चले जाएंगे कलमे के बगैर। और जो मुसलमान शराब पीते मर रहे हैं, जो जिना करते मर रहे हैं, वो जब मरेंगे तो कहां जाएंगे?
सूद खाते हुए मर रहे हैं, शादियां करके जिना करते हैं और इसी हाल में अल्लाह की बारगाह में चले जाते हैं, शराबें पीते पीते मर जाते हैं और इसी हाल में अल्लाह की बारगाह में चले जाते हैं, सूद खाते खाते मर जाते हैं और इसी हाल में अल्लाह की बारगाह में चले जाते हैं, ये किस हाल में पेश होंगे? तो भाइयों, ये ला नबिया बादहू का तकाजा है कि आपके बाद कोई नबी नहीं तो आपके पैगाम का झंडा उठाना मेरे जिम्मे है, आपकी बात हर दर तक पहुंचाना मेरे जिम्मे है, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अजाने ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे जिम्मे तो अपनी आवाज लगाना है, खोले वो या न खोले दर, तुझको इससे क्या गरज, तू तो अपना काम कर, क्या यानी कि खटखटा एजा رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا। कोई माने या ना माने, हमारे जिम्मे अल्लाह की सदा आवाज लगाना है, यह तबलीगी जमात का जिम्मा नहीं है, यह हर उस इंसान का जिम्मा है जो ये दावा करता है कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। जब तुम ये दावेदार हो कि तुम्हारे नबी के बाद कोई नबी नहीं, तो ये एक फूफू इंसानों का समंदर है तेजी के साथ जहन्नम की आग की तरफ जा रहा है, इन्हें समझाने वाला कौन है? तो भाइयों, ये तबलीग का काम कोई फिरका वारियत की मेहनत नहीं, कोई जमात नहीं, कोई मखसूस तबके की नुमाइंदगी नहीं, ये खत्म नबूवत की नुमाइंदगी है। हम सब उस वक्त मुसलमान बनते हैं जब हम खत्म नबूवत का इकरार करते हैं।